नमस्कार। मीडिया हमें किस तरह भरमाता है, इसकी एक बानगी मैंने आज सुबह देखी। रविवार को नई मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था, महाराष्ट्र भूषण समारोह। उसमें गर्मी के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और 120 लोग भर्ती हैं। लेकिन वो खबर आमतौर पर देश के अखबारों में उतनी जगह नहीं बना पाई जितनी फर्जी खबरें छाई हुई हैं। फर्जी खबरें कैसी, मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप देखिए क्या खबरें मीडिया में दिखाई जा रही हैं। आज सुर्खियां है कि सुनील शेट्टी ने दामाद केएल राहुल की अनसीन तस्वीरें शेयर की और जन्मदिन पर राहुल को बधाई दी, जो उनके दामाद भी हैं। एक और खबर आई कि 8वीं पास अतीक अहमद के पास 1600 करोड़ की संपत्ति थी और उस पर एक बड़ी डिस्टर्ब रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में कौन कौन सी हीरोइनें गई थी मुंबई में। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ये फिल्में जर्दा उड़ा देंगी। अपने बेटे की उम्र के हीरो के साथ रोमांस करके चर्चा में आ गई थी ये हीरोइन। पूरी खबर यहां पढ़िए। वार टू फिल्म के स्टार कास्ट में कौन कौन होगा, कौन होगा इस फिल्म में, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। एक स्कूल बस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वो कौन कौन सी हीरोइनें हैं जिन्होंने शादी के बाद एक्टिंग करना छोड़ दिया। 4 क्रिकेटर्स की बेटियां हैं, बहुत खूबसूरत। फेमस हीरो से शादी करने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो तलाक ले लिया और फिर कर ली दोबारा शादी। सुष्मिता सेन के ब्रेकअप से क्यों खुश हैं रणदीप हुड्डा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से कोरोना हुआ, उनके बेटे को भी हुआ था, पहले भी एक बार उन्हें कोरोना हो चुका है। साउथ के इस सुपरस्टार आर माधवन की बात कर रहे हैं। साउथ के इस सुपरस्टार के बेटे ने विदेश में लहराया भारतीय तिरंगा, स्विमिंग में कई अवार्ड जीते। ससुराल गेंदा फूल की सुहाना का लुक बदल गया, देखिए कितनी ग्लैमरस दिखती है। यहां पर सफेद कपड़ों में विदा होती है दुल्हन, बहुत बड़ी बात है। सूरमा भोपाली की बेटी मुस्कान जाफरी भी हो गई है बड़ी। लंदन में एनिमल फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। इलियाना डिक्रूज प्रेग्नेंट हो गई हैं, बहुत बड़ी खबर है, जनहित की खबर है। शहनाज गिल को देखकर रश्मि देसाई ने मुंह फेर लिया, ये भी बहुत बड़ी खबर है। किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, ये खबर है। सिद्धार्थ आनंद क्रश 4 का डायरेक्शन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ना करें, इससे कोई हमें कैंसर होने वाला नहीं है। कि चूंकि सिद्धार्थ आनंद ने क्रश 4 का डायरेक्शन नहीं किया तो हमें कैंसर हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाथों में हाथ डाले डिनर डेट पर चले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। रायपुर में हनी सिंह का लाइव कंसर्ट हुआ। देश में 4th दिन कोरोना वायरस के केस लगातार घटे। अजीत पवार ने ट्विटर से हटाया एनसीपी का झंडा। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी में जाने को तैयार हैं। बाद में अजीत पवार ने खुद खंडन किया कि वे बीजेपी में जाने वाले नहीं। यानी आप देखिए कौन कौन सी खबरें हमारी मीडिया में जगह पा रही हैं। जिन खबरों को जगह पाना चाहिए वे खबरें नहीं हैं, जिन खबरों से लोगों को आगाह किया जाना चाहिए था वो खबरें नहीं। एक बड़ी खबर थी रविवार की। रविवार की दोपहर को नवी मुंबई के खारघर में एक विशाल आयोजन हुआ जहां महाराष्ट्र भूषण सम्मान समारोह दिया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, उनके अलावा मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, कई बड़े नेता थे और लाखों लोगों के भीड़ दोपहर को जुटा ली गई थी। भीड़ में लोगों के लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए पेशाब घर की कोई सुविधा नहीं थी। ये सारे लोग भीड़ में 4 से 5 घंटे तक बैठे रहे और उनमें से कई लोग डिहाइड्रेशन के कारण वहीं पर सूखे पत्तों की तरह गिरने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक दूसरे मीडिया हाउस के अनुसार 120 लोग
अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इस खबर को महत्व नहीं दिया गया क्योंकि इस खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की छवि धूमिल होती। जिन सज्जन को यह पुरस्कार दिया गया था महाराष्ट्र भूषण, उन्होंने इस कांड के बाद एक दिन बाद इस घटना पर शोक जताया है और कहा कि मैंने मृत दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बस इतना, 25 लाख रुपए का यह पुरस्कार, इसके लिए 13 करोड़ रुपए का ठेका महाराष्ट्र की सरकार ने एक इवेंट कंपनी को दिया था। उस इवेंट कंपनी ने नेताओं के लिए तो बड़ा मंच बनाया, उनके लिए तो छाया की व्यवस्था की, ठंडी हवा की व्यवस्था की और उनकी सुविधाओं की सारी व्यवस्था की, लेकिन जो लाखों लोगों को बुलाया गया था, 1050 बसें भर भर कर लोग लाए गए थे, उन लोगों को बस स्टॉप से काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा और जब वे लोग आए और कार्यक्रम में बैठे थे तब ये कार्यक्रम इतना लंबा चला और कार्यक्रम 305 एकड़ के विशाल मैदान में बनाया गया था, तो जो कार्यक्रम इतना लंबी चौड़ी जगह थी तो लोग पेशाब करने के लिए भी उठकर नहीं जा पाए और डिहाइड्रेशन के कारण लोग टपाटप वहाँ पर सूखे पत्तों की तरह या पके फल की तरह गिरने लगे और मृत्यु के शिकार हुए। लेकिन इस पर न तो अमित शाह ने कोई खेद व्यक्त किया, न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोई खेद व्यक्त किया, न महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कोई खेद व्यक्त किया, लेकिन फिर भी अखबारों में इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इक्का दुक्का अखबारों ने जरूर इस पर संपादकीय लिखा है, लेकिन उनकी भाषा ऐसी विनम्र है कि जैसे कोई बहुत मामूली सी घटना हुई होगी, लोगों की जान नहीं गई होगी। जो लोग मरे उनके परिजनों को सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, यानी जो लोग वहाँ काल के गाल में समा गए उन्हें 5-5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे। 25 लाख रुपए का पुरस्कार समारोह है, 13 करोड़ रुपए का इवेंट है, मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए। व्यंग में लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अमित शाह जी का भाषण सुनने जाइए, उन्हीं की बस है, उन्हीं की बस में बैठकर जाइए और भाषण सुनकर दिवंगत हो जाइए और परिवार वालों के लिए 5 लाख की व्यवस्था कर दीजिए। ये बताना बहुत मौजूं है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब नेताओं के, एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों की मृत्यु हुई है और उनके परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में ही अमित शाह के कार्यक्रम में जब बसों में लोगों को भरकर ले जाया जा रहा था और वह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस बस में मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए गए। यानी अगर आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है ये इस बात पर तय करती कि अगर आप अमित शाह की रैली में जाते हुए मौत के काल में समाए हैं तो आपकी जान की कीमत ज़्यादा है, और अगर आप देश सेवा करते हुए या अपनी ड्यूटी करते हुए मृत्यु के शिकार होते हैं तो आपके परिवार को कम राशि मिलेगी, ये इस सरकार की नीति है। और कोई मीडिया इस पर खुलकर बात नहीं करता, कोई ये बात नहीं कहता कि ये अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शिंदे सरकार के उद्योग मंत्री और रायगढ़ जिले के पालक मंत्री उदय सामंत ने अपनी सफाई जरूर दी बाद में। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमने दोपहर को इसलिए किया था कि लोग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर पर, शाम तक अपने घर पहुंच सके, इसलिए हमने ये कार्यक्रम दोपहर को किया था। और कार्यक्रम को दोपहर में करने का सुझाव जिस सज्जन ने दिया था वे उस पुरस्कार के प्राप्त करने वाले ही थे, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि कार्यक्रम का समय गृह मंत्री की सुविधा से तय किया गया था। चूंकि गृह मंत्री की बहुत सारी व्यस्तताएं थी इसलिए उनकी सुविधा को देखते हुए इस कार्यक्रम का समय दोपहर तय किया गया था। ये महाराष्ट्र भूषण समारोह महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें कई नामी गिरामी लोगों को अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें लता मंगेशकर हैं, आशा भोसले हैं, जयंत नार्लिकर हैं, रतन टाटा हैं, ऐसे बहुत सारे नामचीन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। इसलिए लेकिन पहले जब भी ये समारोह हुए हैं वे समारोह मुंबई में किसी हॉल में हुए हैं, किसी बंद सभागृह में हुए हैं जहाँ पानी की, हवा की, वातानुकूलन यंत्र की व्यवस्था होती थी।
पहली बार ये कार्यक्रम इतने खुले में करने का ऐलान किया गया और लाखों लोगों को बसों में भर भर कर लाया गया। शिवसेना के कुछ नेताओं ने महाराष्ट्र की सरकार से इस्तीफा मांगा और कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सांस्कृतिक कार्य विभाग के मंत्री से इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब 13 लोग मर जाएं, 125 लोग बीमार हो जाएं, उस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति इस बात पर होनी चाहिए कि कौन सी हीरोइन प्रेग्नेंट है, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में कौन कौन गया, इस बात पर विवाद होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं शायद वे। अप्पा साहब धर्माधिकारी को जो महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिया गया है, ये उनके पिता नाना साहब को भी मिल चुका है। जिन सज्जन को ये पुरस्कार दिया गया है धर्माधिकारी जी को, उन्होंने महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे काम किए हैं जो विजिबल हैं। उन्होंने पानी बचाओ अभियान के लिए लंबा अभियान चलाया है, उन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया और सैकड़ों टन कचरा एक बार छांट कर निकाला है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवा के काम किए, उनके बाद उनका बेटा भी समाज सेवा के काम कर रहा है। लेकिन उनकी समाज सेवा और ये 25 लाख रुपए का पुरस्कार, तब उसकी महत्ता खत्म हो जाती जब वे कहते कि जिन लोगों की मृत्यु उस कार्यक्रम में आने के कारण हुई, मैं उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए यह पुरस्कार की राशि छोड़ रहा हूँ। या वे ये कहते कि मैं ये पुरस्कार अब वापस लौटा रहा हूँ उन लोगों की, या वे कहते कि मैं ये पुरस्कार उन लोगों की स्मृति को समर्पित कर रहा हूँ जो इस समारोह में आए और जिन्होंने गर्मी के कारण अपने प्राण दे दिए। लेकिन धर्माधिकारी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वे पूजनीय हैं और मीडिया के लिए भी पूजनीय बने ही रहेंगे। तो आप देखिए मीडिया किस तरह की खबरों को बढ़ाता है, किस तरह की खबरों को आगे लाता है और किस तरह के मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर